So this is Dr. Ramesh Kumar and I will be taking the course on oscillators. Oscillators are basically the electronic devices that are capable of converting DC into the AC. If you have DC voltage or the current, you can convert AC voltage or the AC currents. So the oscillator, जो oscillations हैं आपने सुना होगा, pendulum basically, simple pendulum में क्या होता है, आपके पास एक pendulum है और आप इसको unplug करके छोड़ोगे तो उसके अंदर vibrations बनेंगे ऐसे. कुछ time के बाद इनके जो vibrations हैं वो damp down हो जाएंगे और आपको जो, अगर आप इसके oscillation के magnitude, amplitude versus time अगर आप plot करोगे, you will find like this. After some interval of time, ये जो oscillations हैं वो damp down हो जाएंगे, vanish हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, right? तो इन oscillations को sustained करके कैसे किया जा सकता है, मतलब ये तो mechanical oscillator है, हम बात electronic oscillator की करेंगे, but हाँ physics में भी oscillation word कहीं पे use हो सकता है, electronics में भी होता है. ओके, तो एक और pendulum की मैं बात करूँगा यहाँ पे. That is coupled pendulum. एक pendulum ये है, एक pendulum ये है. P1 and P2 are the two pendulums connected through a spring S. अब मैं क्या करूँगा, इस pendulum को unplug करके छोड़ दूँगा. इसमें vibrations बनेंगे, इसके vibration कम होते जाएंगे, इसके बढ़ते जाएंगे, maximum होंगे, इसके zero हो चुके हैं. तो अब इसके oscillations कम होते जाएंगे, इसके बढ़ते जाएंगे, इसके maximum हो जाएंगे, तब इसके minimum हो जाएंगे. तो ये एनर्जी जो है एक्सचेंज हो रही है एक पेंडुलम P1 से दूसरे पेंडुलम P2 की तरफ, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. और यही एनर्जी एक्सचेंज आपने जो LC इंडक्टर कैपेसिटर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है टैंक सर्किट, उसमें भी आपने देखा होगा. जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑसिलेटर्स का, दैट इज टैंक सर्किट. टैंक सर्किट क्या है बेसिकली, इसमें हम एक इंडक्टर लेते हैं. इंडक्टर का जो ओमेगा एल होता है, XL होता है, वो ओमेगा एल होता है. और इसमें हम एक कैपेसिटर लेते हैं, XC जो होता है 1/ωC होता है, राइट? हाँ, XC होता है 1/ωC. तो DC में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो इसके लिए इन्फाइनाइट होता है. इसमें AC DC दोनों के लिए, इसमें जीरो हो जाता है रेजिस्टेंस फॉर AC, सॉरी फॉर DC. ये अलाउ करता है DC के लिए ज़ीरो रेजिस्टेंस है, दूर चला गया. इंडक्टर जो है बेसिकली AC को पास करता है, रजिस्ट करता है, DC को रजिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है. यहाँ क्या है, ये XC होता है कैपेसिटी रेजिस्टेंस, दैट इज ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो ये DC को ब्लॉक कर देता है, ये AC को रेजिस्ट करता है, ये DC को रेजिस्ट करता है, ये रेजिस्ट DC को ब्लॉक ही कर देता है, आई मीन्स टू से ब्लॉक. ये क्या करता है, ओमेगा इज ज़ीरो फॉर DC, तो ये AC को रजिस्ट करता है. मतलब काफ़ी बच्चों वाली बात है, 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं इस बात को. ओके, चलो एनीवे, दिस इज आवर सिंपल टैंक सर्किट. आपने एक कैपेसिटर लिया, एक इंडक्टर लिया, उनको पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया. इसकी प्लेट्स को मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, ये वाली प्लेट्स को मैं नेगेटिव ले देता हूँ. दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर C. तो जो ये मेरा कैपेसिटर है, ये फुली चार्ज है. तो फुली चार्ज है तो इसमें से एनर्जी डिसिपेट होगी विद टाइम. कैपेसिटर का एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम होता है. सो द एनर्जी विल बी लीक्ड थ्रू दिस इंडक्टर L. तो करंट जो है, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन करंट. और इसके अंदर जो है, ये इस इंडक्टर में मैग्नेटिक ओसिलेशंस आएंगे, इसके
करंट जब फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये इंडक्टर का जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू दिस इंडक्टर एल, और इसकी एनर्जी जो है पूरी इसमें चली गई। ये इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी जब इसमें मैक्सिमम हो जाएगी, फिर पोलैरिटी चेंज होगी, इंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, और जो कन्वेंशन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इस तरह से इसके अंदर ओसिलेशंस जनरेट होंगी। मतलब आप यहाँ पर एक अगर आप आउटपुट को लगा के चेक करना चाहते हो, वोल्टमीटर अगर आपने लगा दिया यहाँ पे, तो इसकी जो वाइब्रेशन ओसिलेशंस हैं इसको आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। अगर ये मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड, तो जो इसके ऑसिलेशंस हैं विद टाइम डैम्प आउट हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल और द वर्किंग ऑफ अ टैंक सर्किट, और इसका यूज होता है, मतलब ये तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बने, दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस विद टाइम एम्पलीट्यूड इज गोइंग डाउन एंड डाउन। तो ये काफ़ी यूज़ की चीज़ नहीं है, तो आपको एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए। व्हाट डू यू वांट? आर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए जो ऑसिलेटर्स हम पढ़ेंगे वो दो ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तो है कॉमन एमिटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर, मतलब एमिटर को कॉमन करना है, जो टैंक सर्किट हमारा लगेगा वो कलेक्टर में लगेगा। दूसरा है हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर में क्या है, आप इससे एक बेटर वर्जन आया है इसका ऑसिलेटर में, दैट इज हार्टले ऑसिलेटर। और ये दोनों के दोनों जो ऑसिलेटर हम बता रहे हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग सस्टेन्ड ऑसिलेशंस विद टाइम एम्पलीट्यूड एट एवरी इंटरवल ऑफ, मतलब एक पीरियड के बाद, सॉरी एक इसका जो वेव फॉर्म है एक वेवलेंथ के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है। एम्पलीट्यूड पे वेवलेंथ का ज़्यादा सा असर नहीं है कि इस वेवलेंथ पे, जैसे यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एम्पलीट्यूड है, नेक्स्ट वेवलेंथ पे कम हो गया, नेक्स्ट वेवलेंथ पे और भी ज़्यादा कम हो गया, यहाँ पे सारी वेवलेंथ भी सेम ही रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। And so far we came to know what is oscillator and what is the basic principle of oscillator. Now let us understand the criteria जो इसमें oscillators में use होता है, that is called Barkhausen criteria. Barkhausen criteria of oscillation. सस्टेन्ड ऑसिलेशन आई मीन टू से। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इनपुट सिग्नल है VI और आउटपुट सिग्नल है VO, और जो आपका नहीं उल्टा लिख दिया एक्चुअली, इनपुट सिग्नल है VI, आउटपुट सिग्नल है VO, और ये होता है एम्पलीफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। तो ये एक सिंपल सर्किट में एम्पलीफिकेशन को डिफाइन किया जा सकता है ऐसे। और इसमें अगर आप वी ओ को लिखना चाहो, ए टाइम वी आई, और इफ बाय सम मेथड आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग द एम्पलीफिकेशन वी आई इक्वल टू वी ओ, VI एंड VO को इक्वल बनाने के लिए अगर मैं कोई ऐसा सर्किट बना दूं, सो उस केस में क्या होगा, A टाइम VI जो है आपका यहाँ पर, एक्चुअली इसको ना इरेज करते हैं, जो एम्प्लीकेशन है मेरा वो A टाइम VI है, नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं,
amplification this is my output voltage input voltage is a amplification is a और अगर मैं इसके अंदर एक फीडबैक सर्किट यूज़ करता हूँ फीडबैक सर्किट यूज़ करते हैं हम फीडबैक सर्किट यूज़ करने से एक बीटा का गेन हो रहेगा एंड दैट विल बी वी ओ विल बी बीटा टाइम्स ए एंड वी वोल्टेज तो अगर मेरा इनपुट वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम हो जाए तो ए बीटा क्या बनेगा हमारा दैट विल बी वन तो जो मेरा एम्पलीफिकेशन ड्यू टू द सर्किट एंड एम्पलीफिकेशन ड्यू टू द फीडबैक उन दोनों का प्रोडक्ट अगर मेरा वन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बारकुसेन क्राइटेरिया ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस दिस कंडीशन इज कॉल्ड बारकुसेन क्राइटेरिया ऑफ द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मतलब आफ्टर सम टाइम जो ऑसिलेशंस हैं वो सस्टेन्ड हो जाएंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होगा बट उसके बाद सस्टेन्ड ऑसिलेशंस ये जो आपका स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो एरिया है दैट विल बी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस नेक्स्ट इज द टाइप्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑसिलेटर्स कैटेगराइज करना है हमने उसको ना तो एक तो आप वेव फॉर्म पे कैटेगराइज कर सकते हो वेव फॉर्म पे जैसे अगर आपको साइनोसोइडल चाहिए वेव फॉर्म साइनोसोइडल ऑसिलेटर साइनोसोइडल ऑसिलेटर जैसे हार्टले ऑसिलेटर है या कॉमन एमिटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर है दीज आर द सिम एग्जांपल्स ऑफ साइनोसोइडल ऑसिलेटर दूसरा जैसे आपको स्क्वायर वेव चाहिए स्क्वायर वेव वाला जो ऑसिलेटर है दैट इज मल्टी वाइब्रेटर्स सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है फीडबैक के ऊपर सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द फीडबैक जैसे आप पॉजिटिव फीडबैक करते हो या नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर है फीडबैक जो आपके ऑसिलेटर्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है क्योंकि हमने ऑसिलेशंस को एनहांस करना है तो ये कैटेगराइज हो रखे हैं दो टाइप्स पे फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस थर्ड जो है वो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो देखिए जैसे आपका जो वेव फॉर्म जनरेट हुआ है या जनरेट करने वाले हो अगर वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्स दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स से 30 मेगा हर्ट्स दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी देन वी हैव द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगा हर्ट्स टू 300 मेगा हर्ट्स नेक्स्ट वी हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्स टू 3 गीगा हर्ट्स सो दिस इज अबाउट द कैटेगरीज एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑसिलेटर इन द नेक्स्ट क्लास विल कवर द कॉमन एमिटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर एंड हार्टले ऑसिलेटर एंड देन वी हैव अनदर क्लास ऑन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप थैंक यू वेरी मच